हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एंड कोडिंग। तो फिजिकल लेयर की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, मतलब अपर लेयर से जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है, डिजिटल डेटा की फॉर्म में, 1-0 की फॉर्म में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वो डेटा 1-0 की फॉर्म में ही आगे ट्रांसमिट करते हैं, हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल में। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है फिजिकल लेयर पे डेटा को एनकोड करने की, चाहे हम एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू डिजिटल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनकोडिंग टेक्निक्स जो है हम यूज करते हैं। तो जब हम डिजिटल टू डिजिटल यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम्स में इसके ऊपर आया हुआ क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कट आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है डेटा को मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में आपको ध्यान रखना है कि 1 इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो यहां पे दो कन्वेंशन है, एक है डॉक्टर थॉमस और एक है IEEE 802.3 कन्वेंशन। तो कई बार वैसे तो एग्जाम में मेंशन होता है कि कौन सी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको करना है, अगर नहीं मेंशन तो बाय डिफॉल्ट आप IEEE यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे आपको जो डॉक्टर थॉमस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं तो उसका जो बिल्कुल रिवर्स है IEEE। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग दी हो, लेट से 10100, ये अगर आपको एक डेटा दिया है और इस डेटा को आपको एनकोड करना है अकॉर्डिंग टू द मैनचेस्टर, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहां पे पहले आप लाइंस ड्रॉ कर लो ताकि आपको जो है इजीली रिप्रेजेंट करने में आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगे। तो यहां पे 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइक दिस, मतलब ये अपर है ये लोअर सिग्नल 1-0, और इसको हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। तो बस सिंपल 1 जैसे ही आए आप सिंपल यहां पे रिप्रेजेंट कर दो, देन 0 को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो कंटिन्यू रखो यहां पे, कंटिन्यू करके आप इस तरीके से यहां पे ले आओ, देन अगेन 1 मतलब अगेन z, 0 मतलब उल्टा z, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, अगेन 0 तो उल्टा z, तो यहां पे z जो है वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करना मत भूलना, इस तरीके से आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ यूजिंग द मैनचेस्टर एनकोडिंग। अगर आपको यहां पे लेट्स से कि अगर मैं स्ट्रिंग चेंज कर देता हूं 0011, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो डॉक्टर थॉमस के अकॉर्डिंग तो आपको सिंपल यही मेथड यूज करना है, अगर 0 है तो आपको स्टार्ट करना है उल्टे z से, देन अगेन 0 तो अगेन उल्टा z आपको यहां पे, बट यहां पे कनेक्ट करना मत भूलना, बिकॉज हम यहां पे खत्म किया है और यहां से हमने स्टार्ट किया, देन 1 कंटिन्यू रखो z, अगेन 1 कंटिन्यू रखो z, कनेक्ट करना मत भूलना यहां पे, एंड देन अगेन 1 कंटिन्यू यहां पे z, और इसको कनेक्ट कर दो। So this is how we represent the 1 and 0 in the Manchester. ये according to Dr. Thomas. अगर इसको आप IEEE के according देखें तो 1 जो है वो इस तरीके से represent करते हैं and 0 को हम represent करते हैं like this. मतलब जो Z है 0, Z से 0 आपको याद रखना easy होगा, लेकिन ये IEEE convention के according है. So this is a very simple way of representing the data according to the Manchester. Differential में क्या है? Differential में हम use करते हैं यहाँ पे concept of डिफरेंशियल में आपको हमेशा याद रखना है 0 मतलब यहां पे एज जाएगी, एज मतलब यहां पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कभी भी ये खाली नहीं रहेगा। क्यों? देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को 1-0, या हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं 0-1। तो अगर आपको 0 आ जाए, 0 का मतलब हमेशा याद रखना एज, एज मतलब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये कर दी और यहां पे ये कर दी, ये दोनों तरीके हैं। और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, विदाउट एज, विदाउट एज मतलब ये लाइन यहां पे कोई भी ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे ऐसे कर लो, दैट इज योर विश। तो यहां पे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इजीली इसको बना सकते हो। तो स्टार्ट है यहां पे 1 मतलब एज नहीं आना चाहिए, तो एज नहीं आना चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो आप दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से आई स्टार्ट विद दिस,
तो यहां पे इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया. देन जीरो, जीरो के केस में बस आपको याद रखना है एज, एज मतलब जीरो के केस में खाली नहीं जाएगा, आपको यहां से ही एज उठानी है. और एज उठाने का मतलब है आपके पास ये ओनली ऑप्शन बचती है. ये तो ऑप्शन बच ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि आपने यहां पे खत्म किया वन को, वन को आपने यहां से लेके यहां पे खत्म किया, और जीरो का मतलब है एज. तो एज आप ये कैसे चूज करोगे, ये तो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है. बिल्कुल लॉजिकल सा पॉइंट है, इसको ड्रॉ करो और ऐसे खत्म कर दो. देन वन, वन का मतलब है, वन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वन का मतलब है कॉन्टिन्यूस, मतलब आपको रुकना नहीं, कोई एज नहीं ड्रॉ करनी, कॉन्टिन्यूस. यहां पे आपने जीरो को खत्म किया, कॉन्टिन्यू चलो इस तरीके से आप वन को बना दो, मतलब ये वाला मैंने चूज कर ली. ये तो कर ही नहीं सकते, अगर आप ये वाला करोगे यहां पे ड्रॉ तो आपको एज बनानी पड़ेगी, और लेकिन वन का मतलब है कॉन्टिन्यू चलो. देन अगेन जीरो, जीरो मतलब एज, आपने यहां पे खत्म किया, कौन सा चूज करोगे, ये या ये? ये वाला आप चूज करोगे, क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से यहां पे नीचे आना है एज ड्रॉ करने के लिए. देन खत्म, देन अगेन जीरो, जीरो मतलब एज, तो आपने यहां पे खत्म किया, तो ये ड्रॉ करोगे या ये? ये वाला हम ड्रॉ करके यहां पे एज बना लेते. सो दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल. यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे आपको बिल्कुल यहां पे आइडिया क्लियर हो जाए. लेट्स से जीरो वन 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 जीरो, कोई भी स्ट्रिंग आपको दी हो, कोई भी डेटा आपको दिया हो, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो. बस आपको ध्यान रखना है जीरो का मतलब है एज, एज मतलब यहां पे आप चाहे ये ले लो, दोनों में से कोई भी मेथड यहां पे ले सकते हो. लेट्स से इफ आई स्टार्ट विद दिस, तो यहां पे मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंपल. चाहे आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एज होनी चाहिए, मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट यहां पे लाइन होनी चाहिए पहले. देन वन, वन मतलब कॉन्टिन्यूस, आपने यहां पे खत्म किया, कॉन्टिन्यूस चलो. फिर वन, वन मतलब कॉन्टिन्यूस, यहां पे खत्म किया, यहां पे चलो, कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी यहां पे, सिंपल इस तरीके से आपको कॉन्टिन्यूस रखना है. देन अगेन वन, वन मतलब कॉन्टिन्यूस. देन जीरो, जीरो मतलब एज, तो यहां से आपको पहले नीचे आना पड़ेगा, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर. तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे गेट है, यूजीसी नेट, केवीएस, उनमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से, तो आप इन कन्वेंशंस को यूज करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू.